तो गुड इवनिंग गाइस, अभी हम बेला को घुमाने आए थे ये देख लो, और हमें मिला है आज ये, फिर रात रात को घूमने आ गए। ये भाई भी आए आज। वासु वासु गाइस, ये मेरा फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम द्वाराहाट, ही इज माय नेबर आल्सो, मेरा फ्रेंड है, काफ़ी खास दोस्त है मेरा, छोटा भाई जैसा है। तो वासु, क्या कहना चाहोगे हमारे व्लॉग्स को लेकर? लोग आपको जानने के लिए बहुत उत्सुक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए आपका तो इट वुड बी सो गुड। वेल, मैं एक इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट कैंडिडेट मैं आप सबका भला करना चाहता हूँ, बस मैं आपको ही बोलना चाह रहा हूँ, सुसाइड मत करिएगा जो आज मैंने कोशिश करी थी वेल वो इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ थ्रिल फील करना चाहता, ना ही मैं ऑब्सेस था सुसाइड से। एनीवे, अब आप अपने इसमें ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। गाइस, मजाक से हट के आप लोग को कुछ अलग नया चाहिए था, ये बंदा लेके आए हम आपके लिए अलग। क्यों राहुल भाई? हाँ बिल्कुल यार। तो गाइस देखिए, ऐसा होता है, इंसान धरती पे आते हैं कुछ ना कुछ लक्ष्य के साथ आता है। क्यों भाई, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सही बात है, सोचना नहीं है इसमें गाइस। देखो लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है कि अभी ठंडा हो रहा है बहुत। एब्सोल्युटली, ये देख लो, कोहरा दिखा दो एक बार सर्दी को इग्नोर करके हम कुछ इंसानों वाली बातें करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल हमारे एस्टीम डॉग ओनर से, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर आज रात 12 बजे दुनिया ख़त्म होने वाली होती और ये सिर्फ आपको पता होता, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स कुछ नहीं, एंड आप इसे 6 घंटे हैं, बट इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप करोगे और वो लास्ट थिंग आप क्या करना चाहोगे कि जब दुनिया ख़त्म होती है और आपको कुछ पता नहीं है? वेल बिफोर फ्रेंड्स कि ये बोले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पूरे पुराने फ्रेंड्स से भी इस टॉपिक पे गया, उनका जवाब था रशियंस। कुछ होगा था वासु यार, मैं तेरे साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके देन वासु, बट मैंने उससे कहा यार आई एम नॉट गे, सो देन आंसर इज यार बता भाई, सोचने का मौका दे, तब तक खिलेश से क्वेश्चन कर लेता हूँ, तू सोच थोड़ा। खिलेश से नया क्वेश्चन कि खिलेश, अगर लेट्स से कि तू इस दुनिया से मरने वाला है और लेट्स से कि तू सोचता है कि तू मर जाएगा, तो तू क्या चाहता है कि लोग तेरे बारे में क्या सोचे जब तू मर जाएगा? तू क्या क्या परसेप्शन लोगों के दिमाग में? तू आंसर मत दे, तुझे सोचने का टाइम दे रहा हूँ। अब भाई की बारी। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ना अपने 6 घंटे ना अपने माँ बाप के साथ गुजार रहा हूँ। अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो मैं 7 करोड़ से अभी देता। अब सुनो, 7 करोड़ नहीं चाहिए, रुक जा, मेरे को 7 करोड़ नहीं चाहिए 6 घंटे में गाइस, मेरे को अपने माँ बाप चाहिए साथ में। देखिए आई मीन, इंसान होने का मतलब क्या होता है और खिलेश होने का मतलब क्या होता है? वेल इस पे मुझे थोड़ी पोएट्री ऐड करने दीजिए। आई थिंक इसका मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आखिरी टाइम, आई थिंक आखिरी बार उनकी हीट को फील करना चाहता है, आखिरी बार उनकी स्किन, मे बी वट एवर वट एवर ही कैफ हो। ब्यूटीफुल आंसर। नाउ खिलेश, तेरी बारी। आई वुड लाइक टू पार्डन यू, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? सॉरी, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। इसको पकड़ो और मैं जवाब दे रहा हूँ। चलो, जीते जीते इधर को, मरते मरते मैंने हमेशा मेरी लाइफ का एक एम रहा है, आप सबको बोल रहा हूँ कोई बनावटी जवाब नहीं है, मेरी लाइफ का हमेशा ये एम रहा है कि खिलेश जोशी अगर इस दुनिया से जाए तो लोगों के दिमाग में बस ये रहे कि हाँ एक बंदा था, हंसाता था लोगों को। हाँ ये तो मेरी वजह से अगर उनके चेहरों में स्माइल आ रही है, इट इज द हार्डेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड टू मेक समवन हैप्पी। ये इंग्लिश, एम आई राइट और रॉन्ग? नाउ व्हाट आर योर थॉट्स, यू टेल मी। Thoughts? अभी इस मोमेंट में इस कुत्ते से सुंदर चीज तो मुझे कोई नहीं लग रही है। अरे इनको क्यों दिखा रहे थे? And then ये well, देखिए इतनी खूबसूरत टॉक के बाद बकचोदी वापस आ गई, बट देन कोई सेंस नहीं रहा बात करने का। But भाई anyway, मेरा यही था जवाब कि अगर someone would recognize me after my
आफ्टर माई एबसेंस, तो इट वुड बी लाइक कि हाँ एक बंदा था, जब भी सामने आता था उसके आते ही हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी, समझ रहा है? मैं समझ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस आती हैं साथ में और अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। भैया भैया यहाँ से ना देखिए पीछे लीजिए, घर पे तो है नहीं उनका कोई बैंकिंग और है। या पहले अंकल सीधे जाइएगा जहाँ पे रोड एंड होगी ना, राइट पे जाइए, राइट पे जाके सबसे पहला एक हॉल चलेगा मैरी रोड, थोड़ा सा आगे राइट पे जाइए। किधर गया वो? चलेगा चलेगा वो क्या करने वी मस्ट बी बिजी। वासु भाई काफ़ी मतलब इट वॉज एन इमेंस प्लेजर एंड स्टिल आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, बट वासु भाई दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो सम गुड थाट्स। या कम ऑन जॉइन अस, या वी शुड गो देयर। लेट नहीं होगा अपन को? नहीं नहीं थोड़ी देर की बात है, फिर चल रहे अपन। बोल कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन यार, तुम अभी बता रहे हो तो मैं भूल गया यार। कोई बात नहीं। और इंसान फिलोसोफर बनने की क्यों कोशिश करता है वासु जी? बिकॉज़ उस पे कुछ करने के और है नहीं, है ना? बिकॉज़ एक मोमेंट आता है जब लाइफ में साला इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप उन्हें इग्नोर करना चाहते हो बस। और वो इग्नोर करते करते ना वो मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, थॉट्स इतने क्लियर हो जाते हैं कि लोग इंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं और आपको फिलोसोफिकल या फिलोसोफर करके बुलाने लगते हैं। क्या बात है, ज़्यादा है कुछ नहीं उसमें। एब्सोल्युटली मतलब इंसान जो है गाइस, हर इंसान को फिलोसोफर बनना है, बट व्हाट जो सुसाइड नहीं करना एब्सोल्युटली। वासु हम एक और चीज़, फिलोसोफर और ओवरथिंकर में डिफरेंस है ना। और वासु जो हम मेन चीज़ डिस्कस कर रहे थे रास्ते में कि यार इन्फ्लुएंस, व्हाट आर योर थॉट ऑन इन्फ्लुएंसिंग ब्रो? कि मतलब बंदा इन्फ्लुएंस होए, मतलब आप समझ लो एक किसी भी इन्फ्लुएंसर, जैसे कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, उसका किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, समझ रहे हो आप? हाँ, हाँ। हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, जैसे कि वी ऑलरेडी हैव टोल्ड यू बिफोर कि हमने क्यों व्लॉगिंग स्टार्ट करी, हम किससे इम्पैक्टफुल, हम किसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा, तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं सीधे हमारे वासु से। वेल सबसे पहली चीज़ कि आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं किसी को, वो मे बी वो हो सकता है वो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन हो कि बिकॉज आपको इतनी अटेंशन की नीड है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। और रही बात दूसरी की, एक नेचुरल एक ब्लेंड होता है आपकी पर्सनालिटी के साथ जो लोगों को अट्रैक्ट करता है आपसे, वो चीज़ टोटली डिफरेंट होती है। तो गाइस जो तुम करना चाह रहे हो, आई थिंक वो ना ही इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तुम लोगों को, ना ही कुछ करना चाहते हो। आई थिंक वो हम अपना वो करना चाहते हैं कि हम ऐसी हैं, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर फन यार। और सबसे खतरनाक बात जो तुम स्टेप्स ले रहे हो ना यार, ये इंडियन सोसाइटी में तुम काम कर रहे हो, मजाक सोसाइटी भाई, सेम इंडियन सोसाइटी तुम करके दिखा दो कोई कोई भी करता है। नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूं ना, कोई बोलते ना तुम ये करते हो फोन कहीं भी खोल देते हो, ये करते हो वगैरह, मैं बोल रहा तुम एक बार ना फोन खोल के दिखाना किसी भी इंसान के सामने, कभी तुम दुकान में चले जाना किसी भी उसके सामने फोन खोल के दिखाना, तुम्हारी ना ऐसी तैसी हो जाएगी, चीज सब नहीं कर पाएंगे ना वासु। जो चीज हम कर इंडियन सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की सबसे वी शुड कॉल इट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि इंडियन पीपल, इंडियन जो लोग हैं उनको यूजलेस चीजें देखना पसंद है। ये है ना, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कुछ इंडियंस को, सारे इंडियंस को नहीं, कुछ इंडियंस को, और खराब बात यह है कि जो कुछ इंडियंस है वो मेजॉरिटी इंडियंस है। एब्सोल्युटली तभी तो व्यूज आता है। पता नहीं भाई कुछ और बात कर रहा है यार, बातों का पूरा बखान है, बट सीधे हम ऐसा दिल्ली से जुड़े हैं वासु जी, तो आपके क्या थॉट है, कोई ऐसा किस्सा जो हम सारी ऑडियंस सुनना चाहे वासु जी, इफ यू वुड लाइक, इफ यू कंफर्टेबल इन शेयरिंग एनीथिंग। सो 200 लोग आपको देख रहे हैं इस समय। साले सपने देख रहे हो तुम? नहीं नहीं ब्रो, वी आर नॉट, सपने देख रहे हैं तो पूरे भी करेंगे वासु भाई, क्यों? बिल्कुल यार, चलो वासु भाई कुछ हो जाए, जरूरी है लेकिन उनको पूरा करना जरूरी है। चल भाई चल रहे हैं, आया चलते हैं वो मत चल, ये चलने दे अब, क्या वो होने वाली बैटरी लुल है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? डरा के क्यों रखा तूने बेला को? बेला ये देख लो इसको, ये डरा के रखा है इसने पहला को। बैठ यहाँ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, आ इधर आ, इधर आ, इधर 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 बैठ, इधर बैठ, इधर आ। बेलू ये देख लो अपनी मम्मी को, इधर तो देख क्या खा रही है,
ये कौन लेके आया तेरे लिए अम्मी है? जोर से बोलना है। तो गाइस आज हमारे ब्लॉग में अच्छी अच्छी शक्लें दिख रही हैं, बेला को देख लो फिर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कहाँ गई थी तू? दिल्ली। क्यों गई थी? ओ जी हाँ गाइस, हमने हर ब्लॉग में बोला था कि हम हर मंगलवार को कहाँ जाएंगे खिलेश भाई? जय श्री राम, अपने बजरंग बली के दर्शन लेने। जी हाँ, बजरंग बली के दर्शन लेने जाएंगे गाइस अभी। और गाइस ये कोई वीडियो वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम जाते हैं नेक्स्ट। पिछले हफ्ते में भी गया था बट ये नहीं आ पाया था, इसका कुछ सीन हो गया था। तो गाइस इस हफ्ते जा रहे हैं, दर्शन लेके आते हैं बजरंग बली के, हनुमान मंदिर जा रहे हैं। हम अभी दिखाएंगे तुम्हें हम कहाँ जा रहे हैं। प्रसाद खा के अपना व्रत का वो करेंगे अब। सुबह से तुम्हारे भाई ने सुबह से फास्ट रखा, हर मंगलवार रखता है। ओह माय गॉड भाई, कोई स्वार्थ के लिए नहीं रख रहा हूँ, बस ये है कि भगवान से अटैचमेंट है। भगवान जी ने तो भेजा है इस धरती पर। क्यों भाई? बाकी गाइज एक बात, थोड़ा मंदिर वंदिर जाते हैं, चल मंदिर जाके तो शांत हो जाएंगे, मैं तब तक की बात करता हूँ। गाइज ये कह रहा था ना, मैं पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली ना मैंने गाइज, थोड़ा सा उठा ले कि कभी भी बंदी के आंसू पे वो मत करना भाई, मत करना। सच बता रहा हूँ मत करना। अगर कोई बंदी तुम्हारे सामने रो रही है ना, इतने भी ड्रामे, सब ड्रामे भाई, किसी के आंसू पे मत जाना, मत जाना। और मैं गलत बोल रहा हूँ? बता दी भाई, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई। छिले हुए ना आम खाने सीख लो टाइम से। सड़े हुए आम खाने की आदत मत डालो, छिले हुए आम खाने की आदत बनाओ। क्यों राहुल भाई? तो भाई मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर के बाद मंदिर में। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा भाई, हनुमान मंदिर। गाइस कैसा लगा अखिलेश भाई? बहुत अच्छा भाई। तो गाइस यहाँ आते रहा करो, ये देख लो सॉक्स पहन रहे अभी तो। कैसा लगा ये बता? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा भाई। क्या? आते रहा करो, प्रसाद मिल जाता है और पूजा भी मिलती है, मतलब पूजा का थोड़ा वो मिल जाता है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी हम जा रहे हैं। जय श्री राम भाइयों, देखो हिंदू धर्म में अपने हनुमान जी जो है सर्वश्रेष्ठ, हमारे लिए सब कुछ है, हमारे देवी देवता के समान है। तो मंगलवार के दिन जरा भगवान की शरण में भी आओ, भगवान जी का हाथ हमेशा रहता है, एक बार ध्यान दो। जय श्री राम सारे भाइयों को, जय श्री राम, जय श्री राम गाइस। चलो मिलते हैं आपसे अभी रास्ते में। गाइस रास्ते में करते हैं वार्तालाप, वार्तालाप करते हैं अभी। लव यू ऑल। जय श्री राम सभी भाइयों को, भगवान सबको खुशी रखे, जिसके भी जीवन में दुख दर्द कष्ट पीड़ा है सब दूर हो जाए, सारे मेरे भाइयों का भला हो, सबके फैमिली बहुत अच्छा करे, सबका अच्छा हो भाई। जय श्री राम यार। तो गाइस आप सबका भी अच्छा हो गाइस। तो गाइस अभी हम मंदिर में होके आ गए हैं, तुमने देख लिया होगा टीका वीका लगा रहा था, इससे पहले की जो क्लिप थी वो भी देख ली होगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि कहीं हम थोड़ा दूर जाएं, मतलब कि अब रोज़ का एक ही हो जा रहा है ना, एक ही टॉपिक में, मतलब वही रोमन फिर वो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अब दो तीन चार जने जोड़ते हैं, मतलब है साथ वाले, वो भी कह रहे थे आज कि थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा परिताल की तरफ को जाते हैं या कहीं और। तो अभी सोचा तो है मैंने, अभी देखो दिनों से बात करूँगा, दीदी भी होगी और दीदी भी चार जने प्लीज भाई, तो बिल्कुल ज़रूर। अरे इतना तरह तो जाऊँगा ही नहीं भाई, तो सारे भाई लोग और बहने लोग एक साथ जाएंगे नो डाउट। कॉन्टेंट में हम गाइस नया नया कंटेंट ट्राई करते रहेंगे, बट आप लोगों ने जो आपका काम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाना है, एक साथ जुड़े रहना है, ये हमारी जर्नी है गाइस, हम बहुत अच्छा करेंगे इसमें, आगे बढ़ते रहेंगे और सब कुछ आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करते रहो। आज मेरे कॉलेज के बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया भाई, सबने एक साथ लाइन से सब्सक्राइब किया चैनल, तो उन सबको भी ह्यूज शाउट आउट। अपराजिता, काजल भाई, दो तीन तो हमारे भाई वैसे मोहम्मद भाई भी थे, उनको भी शाउट आउट। एक का नाम है हमारा मोनिश, एक का नाम है राकिब, तो सारे भाइयों बहनों को दिल से थैंक यू भाई, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए हुआ क्या, मैं तुम्हें बता, कम से कम 11-12 जब मैं करा था, मतलब मैं सुबह उठा तो मैंने ऐसे देखा 200 कुछ थे, 30 थे, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही मैंने दोबारा, मतलब शाम के टाइम पर 4:30 के टाइम पर मैंने खोला, मैंने राइट यूट्यूब स्टूडियो खोला तो उसमें देखा, मैंने डिफरेंस मारा, मतलब 241 हो गए भाई, मैंने बोला अरे
कल हमें एक बंदा मिला और उसने एक चीज जो बोली वो अभी तक भाई मेरे दिमाग से गई नहीं है। उसने बोला अगर तुम कोई चीज दिल से कर रहे हो ना तो उस चीज वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम कंप्लेन ना करके कॉम्प्रोमाइज करो। गाइस ये चीज आपके लिए, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना आप किसी दूसरे से चल के अगर आपके दिल में खुशी हो रही है ना तो फिर कुछ फायदा नहीं है लाइफ का। तो भाई बाकी ये था, दिल पूरा खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई है। सुबह से तुम्हारा भाई ने रखा था फास्ट, अब शाम को फास्ट करूँगा। और गाइस ब्लॉग को एकदम खूब हर जगह फैला दो। तुम्हारे भाई हल्द्वानी के दो भाई हैं, हल्द्वानी क्षेत्र से, हल्द्वानी क्षेत्र का नाम यहाँ है, अभी यहाँ है और यहाँ लेके जाएंगे। जी हाँ भाई, बिल्कुल भाई। तो गाइस मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। Yes, Rita.